मैं यहाँ पे एक बात आप सबको बता दूं, मैं कजाफी स्टेडियम में खड़ा हूँ, लाहौर कजाफी स्टेडियम में। कैमरे में देख के बताऊं, कौन सा कैमरा में देख रहा है? मैंने ये वाला कैमरा। ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान क्रिकेटर है उस्मान, ऑस्ट्रेलिया का, जो ग्राउंड में कभी नमाज पढ़ते नहीं पाया गया, मगर हमें पता है मुसलमान है, पढ़ता होगा। इस तरह कैमरों के ऊपर नहीं नजर आता था वो, मगर जब वक्त आया तो उसने वहां पर जाकर टक्कर ले ली। और गैर बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया इसराइल का पांच मुल्कों में से अमेरिका, लक्समबर्ग, निकारागुआ, ऑस्ट्रेलिया और मैक्रोनीजिया, ये पांच वो मुल्क है जो कि हर साल इसराइल को वोट देते हैं, सारा पैसा उधर डलवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया उनमें। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, गौर से समझे इस बात को। और इसने कहा मैं फलस्तीनी भाइयों को नहीं अकेले छोड़ने, मैं जो कर सकता हूं करूंगा। हजारों डॉलर इकट्ठे किए इसने, फलस्तीन के वो लगाए झंडे, टैक्स, हर जगह पे प्रोपेगेंडा कर सके, गलत हो रहा है, मैं तो नहीं चुप रहने वाला। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड खिलाफ हो गया, ऑस्ट्रेलियन टीम इसके साथ खड़ी हो गई गैर मुस्लिमों की, कि भाई बात तो ठीक कर रहा है, उसके पास राइट तो है, उसको तो नहीं रोक सकते हम। और ये हमारे जो टीवी के ऊपर ग्राउंड में खड़े होकर बात जमात क्रिकेटर हमारे, इस वक्त केएफसी के बैनर में पीएसएल खेल रहे हैं। इस तरह के ना, ये जो सफेद गोली वाले मुसलमान है ना, ये उन्हें इस्लाम हमें दिया गया है, ये इसके मैं खिलाफ अभी दिखाऊंगा, मैं इनको बताता हूं इसके पीछे साइंस क्या है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अपने आप को मोमिन भी समझते हैं, स्पेशली ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ये जो बाद में सिर्फ अल्लाह ही करता है, सब कुछ सिर्फ अल्लाह ही करता है। आपके ये सब इतना सा आपसे काम नहीं हो सका, अपने आप को ना ये टैग लगाने और ये मुसलमानों वाले होलिये लगाने निकालना बंद करो, बच्चे कंफ्यूज करते हो तुम हमारे। और आधी कौम में पीएसएल में इनकी वजह से वो उसी तरह के मुसलमान बनेंगे कि जो बस दिखा देंगे हम मुसलमान है, जब वक्त आए काम का उस टाइम गायब हुए, बल्कि गायब क्या हुआ, ये कहां है स्टेडियम, इधर है स्टेडियम, यहां पे बैठे जश्न मना रहे हो, यहां पे टेस्ट हुआ बेटा आप लोगों का मुसलमान, आपको मिलता हूं मैं, फिक्र नहीं करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहली तलाक दी, मेरा क्लाइंट था मेरा जी। अस्सलाम वालेकुम। सो ऐसे नहीं होगा, कुर्बानी बेटा, क्या आपकी कुर्बानी क्या है, नॉलेज गेन करो और सिस्टम, बड़े सिस्टम को तोड़ने में नया सिस्टम बनाने का सियासी हिस्सा बनो, ये है वो सलूशन आपकी उम्र में, समझ रहे, अनलेस यू नो के सवालों के जवाब क्या है, कि सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, इसके पीछे कॉज और इफेक्ट क्या है, तब तक आप उनके सिस्टम का हिस्सा है। याद रखिएगा, जाहिल मुसलमान कुफार की फौज का हिस्सा होता है। इस वक्त सब मुसलमानों का इतना ही क्यों होना जरूरी है कि हम स्ट्रेट आंसर दे सकें कि ये मसला आपके सिस्टम में, यहां पे चेंज करेंगे। आप लोग अगर सिस्टम के डॉक्टर नहीं है तो सॉरी, इस सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है आपकी उम्रों में, आपकी उम्रों में लोगों ने बादशाहतें चलाई अपनी, ये बहाने खत्म करेंगे हम अभी छोटे और काके, अभी तक स्पेशली अम्मिया 30-30 साल के काके रखे हुए आपने घरों। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।